एक समय की बात है, शहर में तारा नाम की 8 साल की छोटी गरीब लड़की थी, जो अपनी माँ राधा और पापा अर्जुन के साथ एक छोटे से घर में रहा करती थी। अर्जुन मजदूरी करके घर चलाता था और उसकी बेटी तारा को स्कूल में पढ़ाता था। एक दिन तारा स्कूल से घर आ रही थी कि तभी उसकी नजर डांस हॉल की ओर जाती है, जिस दीवार को एक छोटा सा होल था। उसमें से वो अपनी आंख से अंदर डांस करते लोगों को देख रही थी कि तभी उसकी माँ राधा वहां आ जाती है और उसका हाथ पकड़कर उसे चिल्लाते हुए उसे घर लेकर जाती है। तारा, कितनी बार कहा है तुम्हें कि वहां पर ऐसे टाइम पास मत किया कर। पर माँ, मुझे भी उनके जैसा डांस करना है, बड़ा बनना है, टीवी पे दिखना है। माँ, मुझे भी जाना है वहाँ डांस सीखने। अरे बेटा, वो सब बड़े पैसों वाले लोगों का काम है। हमारे पास इतने पैसे हैं कहाँ कि हम तुम्हें वहाँ डांस सीखने के लिए भेजे। चलो चुपचाप अपनी पढ़ाई करने के लिए बैठो। माँ की डांट से तारा रूठ के कोने में बैठ जाती है कि तभी तारा के पापा अर्जुन घर आते हैं और वो तारा से, अरे मेरी प्यारी गुड़िया को क्या हुआ? ऐसे मुंह फुलाकर क्यों बैठी है मेरी गुड़िया? पापा, मुझे भी डांस सीखने जाना है। अरे बिटिया, तुम वहाँ जाती ही क्यों हो? अगर तुम वहाँ गई ही नहीं तो तुम्हारे मन में ऐसे विचार भी नहीं आएंगे। हाँ बेटा, हम तुम्हें पढ़ा रहे हैं, यही बहुत बड़ी बात है। तुम पढ़ाई में ध्यान दो और पढ़ लिख कर अच्छी कंपनी में जॉब करो। ठीक है माँ, पापा, अगर आपकी यही इच्छा है तो आज से मैं सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई में ही ज्यादा ध्यान दूंगी। चलो अब खाना खाकर सो जाते हैं। कल सुबह पापा को भी काम पर जाना है और तुम्हें भी तो स्कूल जाना है ना। खाना खाकर सब सो जाते हैं। सुबह होते ही अर्जुन अपने काम पर चला जाता है और तारा अपने स्कूल। अब ऐसे ही उनका हर दिन बीता करता था। कई साल बीत जाते हैं। तारा के मन लगाकर पढ़ाई करने के कारण वो हर साल अच्छे नंबरों से पास होती है। तारा की पढ़ाई में प्रगति देखकर अर्जुन और राधा भी बहुत खुश थे। अब तारा का कॉलेज भी खत्म हो जाता है और एक दिन तारा को कॉलेज की तरफ से एक बड़ी कंपनी से इंटर्नशिप के लिए कॉल आता है और उसके बाद वो लोग तारा की काबिलियत देखकर उसे अच्छी पगार वाली नौकरी भी ऑफर करते हैं। तारा बहुत खुश हो जाती है और अपने माँ पिताजी से कहती है, माँ पापा, मुझे कंपनी से इंटर्नशिप के लिए कॉल आया है जिसके बाद वो लोग मुझे अच्छे पगार वाली नौकरी भी देने वाले है। पापा, अब आपको इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। ये खुशखबर सुनकर अर्जुन और राधा की आंखों में से आंसू आ जाते हैं। अरे वाह बेटी, ये तो बहुत अच्छी खबर सुनाई तुमने। देखा राधा, मेरी छोटी सी गुड़िया अब कितनी बड़ी हो गई है। अर्जुन और राधा तारा को गले लगा लेते हैं और राधा भगवान के सामने दिया लगाने जाती है। लेकिन पापा। हाँ बेटा बोलो, क्या हुआ है? पापा, वो इतनी अच्छी कंपनी में इंटरव्यू के लिए जाने के लिए मेरे पास एक भी अच्छी ड्रेस नहीं है। बिटिया, तुम उसकी फिक्र मत करो, शाम को घर आते समय तुम्हारे लिए एक अच्छी सी ड्रेस लेकर आऊंगा मैं। काम पर जाते ही अर्जुन अपने मालिक के पास जाता है और उनसे, मालिक, वो दरअसल, हाँ अर्जुन बोलो, क्या कहना चाहते हो? मालिक, क्या मुझे कुछ पैसे उधार मिलेंगे? मुझे अपनी बेटी के लिए ड्रेस लाना था। ठीक है, पर पैसे समय पर जरूर लौटा देना। जी मालिक, धन्यवाद मालिक। अर्जुन अपना सारा काम पूरा कर घर आते वक्त तारा के लिए एक अच्छी ड्रेस लेकर आता है। दूसरे दिन सुबह तारा माँ पिताजी का आशीर्वाद लेकर इंटरव्यू के लिए निकलती है। जैसे ही वो रास्ते से जा रही थी तभी उसकी नजर फिर से उसी डांस क्लास की तरफ जाती है और उनकी आवाज सुनकर वो फिर से हर रोज की तरह उस छोटे से हॉल से झांकते देखती है कि आज वहाँ पर इतना ज्यादा शोर क्यों है। अरे अब हमारा क्या होगा? जो मेन डांसर थी उसका ही पैर टूट गया है, अब शो कैसे होगा हमारा? आज के आज हम कैसे अरेंज करेंगे ये सब? तभी तारा धीरे से दरवाजे के पास जाकर खड़ी होती है। क्या मैं आपकी कुछ मदद कर सकती हूँ? तारा की बात सुनकर वो सारे लोग उस पर हंसने लगते है कि ये गरीब लड़की उनकी क्या मदद करेगी। कौन हो तुम और तुम क्या मदद करोगी हमारी? सर, आप मुझे एक चांस तो देकर देखिए। अच्छा ठीक है, तुम्हें दिया चांस, अब दिखाओ हमें डांस करके। जब तारा उसका डांस स्टार्ट करती है तो वहाँ के सभी लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं और वो डांस टीचर तारा से,
अरे तुम, तुमने ये कहाँ से सीखा? ये तो हमारी कोरियोग्राफी है। जी सर, माफ करना, पर मैं रोज आपका डांस देखा करती थी और घर जाकर प्रैक्टिस किया करती थी। मुझे बचपन से ही आपके यहाँ डांस सीखना था, लेकिन हमारे गरीब हालात की वजह से मैं कभी अंदर नहीं आ पाई। तुमने तो हमारी सारी चिंता एक झटके में दूर कर दी। क्या तुम आज के शो में हमारे ग्रुप में परफॉर्म करना चाहोगी? जी सर, अब तारा की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। तभी उसका फोन बजता है। हेलो, हेलो, मिस तारा, मैं कंपनी से बात कर रही हूँ। आज तुम इंटरव्यू के लिए आ रही हो या नहीं? जी मैम, ऐसा कह के तारा फोन रख देती है और सोच में पड़ जाती है। एक तरफ उसका बचपन का सपना सच हो रहा था और एक तरफ उसके माँ पिताजी का सपना। उनकी मेहनत थी जिससे उन्होंने तारा को इस मकान पर लाया था। लेकिन उस समय तारा अपने पैशन को चुनती है और अपने घर पर बिना बताए ही डांस क्लास वाले लोगों के साथ शो में परफॉर्म करने के लिए निकल जाती है। तारा की वजह से उनका पूरा ग्रुप वो शो में जीत जाता है और हर जगह सिर्फ तारा के डांस के ही चर्चे होने लगते हैं। सब होने के बाद शाम को तारा घर आती है। अजय, सुनते हो? अपनी तारा आ गई, देखो तो। अरे बेटा, आ गई तुम? आओ आओ बैठो और बताओ कैसा गया तुम्हारा इंटरव्यू? तुम्हारा सिलेक्शन हुआ या नहीं? पापा, वो दरअसल तारा को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो अपने माँ पिताजी से कैसे सच कहे। वो उन्हें दुखी नहीं करना चाहती थी, पर वो उनसे झूठ भी नहीं बोलना चाहती थी, इसीलिए तारा ने उन्हें सारी बात बता दी। अरे तारा, तुमने ये क्या कर दिया? कितने दिनों बाद घर में खुशी आई थी। अरे ये सब करने से पहले एक बार अपने पापा के बारे में तो सोच लेती। अर्जुन बहुत दुखी हो जाता है और वो वहां से उठकर बाहर चला जाता है। जैसे ही अर्जुन बाहर निकलता है तो गांव के दो तीन लोग उससे मिलते हैं और वो अर्जुन से, अरे अर्जुन भाई, क्या बात है, तुम्हारी तारा तो टीवी पे आ गई, ये सब कैसे हुआ? पर कुछ भी कहो अर्जुन, क्या डांस किया है तुम्हारी बेटी ने, वाह, मानना पड़ेगा भाई। हाँ हाँ अर्जुन भाई, तुम्हारी तारा ने तो अपनी बस्ती का नाम रोशन कर दिया। ये सब सुनकर अर्जुन भागते हुए घर आता है और राधा को सारी हकीकत बताता है। दोनों खुशी से तारा को गले लगा लेते हैं। ऐसे ही धीरे धीरे तारा के घर के बाहर भीड़ इकट्ठा होने लगती है। और फिर क्या था, उसे हमेशा ही बहुत सारे शोज से डांस के लिए ऑफर आने लगते हैं। ऐसे ही करते करते तारा बहुत फेमस डांसर हो जाती है।